हे गाइस, गुड मॉर्निंग, बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप सबको एक और नया वीडियो में। और अभी 6:44 हो रहा है, लेकिन आज त्रिपुरा में 5:17 में काफ़ी हल्का सा भूकंप आ गया था। तो हमको कैसे पता चला, हम सो रहे थे और अचानक से क्या हुआ, खाट जो है हिलने लगे। तो खाट हिल क्यों रहा है, हमने उठकर देखा थे, हाँ हल्का हल्का भूकंप आ रहा है। और जब घर से बाहर निकला, वैसे मम्मी पापा सोते रह गए, शायद उन लोगों को कुछ फील भी नहीं हुआ, सिर्फ मुझे फील हुआ है। और जब मैं घर से बाहर निकला तो लोग जो है वो घंटा बजाकर या फिर कुछ मुंह से इस तरह से साउंड निकलते हैं, जीप को हिलाकर कुछ एक बंगाली का इसको जुगार बोलते हैं ऐसा निकाल रहे थे। तो कुछ लोग अब इसको बोलेंगे कि ये तो अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। तो मैं बता दूं, ऐसा करने से आसपास के जितने भी जानवर है या फिर दूसरे इंसान है वो सब के सब जागरूक हो जाते हैं कि हाँ कुछ इस तरह सा अचानक से भूकंप वगैरह या फिर क्रिटिकल चीज़ हुआ है, जिसके लिए ये ऐसा किया जाता है। और गाइस, जब भी भूकंप आते हैं आसपास के जितने भी लोग होते या फिर हमारे घर वाले जो होते वो सब की सब ऐसा ही करते हैं, कुछ घंटा बजाते या फिर कुछ मुंह से अपना जुगार इसको बंगाली में उलू धुनी बोलते हैं ऐसा निकालते हैं, जिससे और भी लोगों को पता चल जाता है। अचानक से अगर सारे लोग इस तरह से निकालेंगे तो डेफिनेटली कुछ भूकंप आ गया है या फिर कुछ क्रिटिकल कंडीशन आया है। तो लोगों को भी आसानी हो जाता है, आसानी से मतलब सचेतन हो जाता है लोग। तो ये था आज, मतलब अचानक से भूकंप आ गया यार, पूरा खाट इस तरह से मान लीजिए हिल रहा था। और घर वाले मम्मी पापा तो सोते रह गए। एक बार सोचा मैं मम्मी पापा को बुला दूंगा, लेकिन क्या करूं, मतलब शायद 5 सेकंड तक रहा होगा भूकंप, 5 या 6 सेकंड तक रहा होगा। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, सोने देते हैं उन लोगों को, मैं भी जाकर दोबारा सो गया और अभी उठाओ। कभी ठंड भी लग रहा है यार और हल्का हल्का फॉग आ रहा है चारों ओर। सो कैसे हो आप सब, दिन कैसा चल रहा है कमेंट कीजिए। और स्वागत है आप सबको एक और नया वीडियो में। सो गाइस, अभी थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाया, तो आज है गाइस 26/11, यानी कि आज अगर आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं तो ये 7-8 दिन बाद लेट है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ब्लॉग जो है वो रेगुलर स्टॉक में पड़ा हुआ था, जो कि मैं धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूँ। एक दिन में मैं एक ही ब्लॉग रिलीज करता हूँ, जिसके लिए मतलब ये ब्लॉग जो है काफ़ी लेट आ रहा है। तो गाइस, ये मैं ये बोल रहा था कि आज है 26/11, यानी कि भारत की इतिहास में ये एक बहुत ही खतरनाक काले दिन के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली 2008 में पाकिस्तान ऑर्गेनाइज्ड एक टेररिस्ट संगठन है जिसका नाम है लश्कर ए तैयबा। तो वहाँ से कुछ जिहादी आतंकवादी, इस्लामिक टेररिस्ट जो बोलते हैं उन सबको, तो वो लोग आए और हमारे जो एक ताज होटल है जो इंडिया का एक प्राइड है, उस समय 2008 में आए और वो लोग आकर वहाँ पर काफ़ी मतलब आतंकी हमला किया था, जिससे हमारे वीर तो पुलिस जो है वो काफ़ी सारे पुलिस जो है वो शहीद हो गए। जा तो वो दिन जो है वो आज मतलब ब्लैक डे के हिसाब से मनाया जाता है। आपको ये पूरा कहानी जो है वो इंटरनेट पर भी मिल जाएगा और काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह फोटोज वगैरह है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोग सर्च करके देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी सारा मतलब एविडेंस मिल जाएगा। इसके ऊपर एक मूवी भी है जो कि है 26/11 के नाम से, जिसमें नाना पाटेकर सर है। और अगर आप लोग इसका फुल स्टोरी जानना चाहते तो जाकर ये मूवी भी देख सकते हैं और इंटरनेट में सर्च कर पूरा जो घटना है वो जान सकते हैं। सो गाइस, आया था वीडियो अपलोड करने के लिए, बहुत ही मुश्किलों की बात वीडियो को अपलोड कर रहा था, क्योंकि बीच में नेटवर्क जा रहा था। तो जैसे तैसे करके वीडियो अपलोड कर दिया। सो गाइस, आप लोग सामने जो ये ड्रेन देख रहे हैं वो सबके सब पानी का ड्रेन है, मतलब घर घर पानी पहुंचाने के लिए ड्रेन बनाया गया है। यहाँ पर खेल रहे थे, अब भाग जाएंगे। माता पिता घूम रहे थे।
इसको बाल का काट के सुकून मिल रहा है। एक्चुअली जब भी मैं हेड शेव करता हूँ तभी मेरे को सुकून मिलता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा बोझ उतर गया। ये भी बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सर से बोझ उतर गया है। और इसकी एग्जाम भी आ रहा है, जिसके लिए ये बाल बाल कटने थोड़ा बहुत इंसानों की जैसा दिखने की कोशिश कर रहा है। बाकी आप सबको तो पता है ये खोपड़ी वाला टी शर्ट पहन के जाने वाला इंसान है। टी शर्ट में इतना खोपड़ी है, काश तेरे पास एक खोपड़ी होता है ना। इतना खोपड़ी है, काश तेरे पास थोड़ा सा खोपड़ी होता। खोपड़ी है, दिमाग नहीं है, ये बताओ। वही वही लोग समझ जाएंगे बेटा। तो गाइस आज भी मैं बगान नहीं गया, पापा चले गए, पापा और मम्मी जो है वो दोनों चले गए बगान में, और ये जो दुकान देख रहे हैं पीछे वो मेरे हवाले छोड़ के चले गए हैं। और बस यहाँ पर बैठकर, यहाँ पर कुर्सी लेकर धूप में बैठकर दुकान को पहारा दे रहा हूँ, मतलब दुकान की चौकीदारी कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो मुर्गी बच्चे है वो सब की सब मेरे भरोसे छोड़ के चले गए है सब कुछ।